जमतरमा हिंद के दूसरे अकाबरी बुजुर्गों, दोस्तों और नौजवान साथियों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। अरे आप सबको आज के इस तारीखी इजलास में तो यहाँ पर मजलूम, मजबूर, प्रोसिक्यूटेड और जुल्म का शिकार म्यांमार के रोहिंग्या बाशिंदों के जुल्म के खिलाफ एहतजाज में आप शामिल होने आए हैं, मैं आपको मुबारकबाद देता हूं। और मुबारकबाद इसलिए देता हूं कि आपने अपनी इंसानी और मिल्ली हमियत का सबूत दिया, और यही इंसान का फर्ज है कि जब जब जहां जहां जुल्म हो उसके खिलाफ हम आवाज उठाएं। जमतुल्मा की तकरीबन 100 साल पुरानी यह तारीख है कि इंसानियत के ऊपर जब भी जुल्म हुआ है, जब भी इंसानियत को निशाना बनाया गया है, जब भी यह महसूस हुआ है मुल्क को और मादरे वतन को कि जमतुल्मा को आगे आना चाहिए, जमतुल्मा आगे आई है और इस मसले में भी आगे आई है, मैं मौला सैयद असद महमूद असद बंदी को मुबारकबाद देता हूं। इन तमीनी जुमलों के बाद मैं 5-6 बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। दूसरी जंग अजीम के बाद इतना बड़ा सानहा तारीख इंसानियत में नहीं हुआ है जो म्यांमार में हो रहा है। जो पत्रकार उर्दू कम जानते हैं, मैं उनके लिए कहना चाहता हूं कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो प्रोसिक्यूशन और जेनोसाइड म्यांमार में हो रहा है वो पिछले 90 साल में कहीं नहीं हुआ है। यह हम सब के लिए शर्म की बात है। यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र ने रेजोल्यूशन पास कर दिया। अरे भाई, रेजोल्यूशन से कुछ नहीं होने वाला, अमल करना है आपको, और इसलिए भी अमल करने की जरूरत है कि जब इंडोनेशिया जो एक मुसलमान मुल्क है वहां पर कुछ लोग सर उठाते हैं तो आप वहां रेफरेंडम की बात करते हो, और जब म्यांमार के अंदर लोगों को मारा जाता है, जलाया जाता है, भगाया जाता है और मासूमों को आग के अंदर फेंका जाता है तो आप रेजोल्यूशन की बात करते हो, ये काबिले कबूल नहीं है, ये काबिले कबूल नहीं है।